हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, फिट एंड सेफ एट योर होम्स. वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लास, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. दिस इज आवर चैप्टर 4, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एंड इट इज आवर रिविजन लेक्चर 2. इन लेक्चर 1 वी हैव डन टिल डिविजिबिलिटी टेस्ट. नाउ इन लेक्चर 2 वी विल डू एलसीएम एंड एससीएफ. सो टूडे सब टॉपिक्स आर इंट्रोडक्शन टू एलसीएम एंड एससीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एससीएफ एंड एलसीएम, वर्ड प्रॉब्लम्स, हॉट्स एंड पजल. लेट्स स्टार्ट विद हॉट्स क्वेश्चन. फाइंड एनी टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6. वी हैव टू फाइंड आउट द टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ऑल दिस. मीन्स डिविजिबिलिटी रूल शुड बी फॉलोड फॉर 2, 3, 4, 5 एंड 6. नाउ सी द नंबर विच आई हैव टेकन. दिस कैन बी some different numbers also. 57,420 and 32,160. Check, is it divisible by 2? Yes, because 1's place is containing 0. Divisible by 3, we have to do addition. 5 plus 7, 12. 12 plus 4, 16. 16 plus 2, 18. Yes, it is divisible by 3. Check this number. 3 plus 2, 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 6, 12. Divisible by 3. Divisibility by 4, check the tens in 1's place. 20 is divisible by 4, 60 is divisible by 4, correct? Divisibility rule by rule of 5, 1's place should contain 0 or 5, 0, 0, yes, it is divisible by 5. Divisibility rule for 6 is there. If the number is divisible by 2 and by 3, the number is divisible by 6 also, and we have already checked for 2 and 3. So these numbers can be different also. So, you have to find out those numbers which satisfy the divisibility rule for 2, 3, 4, 5 and 6. Next is, next topic, highest common factor, HCF. HCF of two given numbers is the highest number that divides the given numbers exactly without leaving any remainder. HCF of two numbers is that highest number. दो number का HCF वो highest, वो बड़े से बड़ा number होता है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, लिविंग नो एनी रिमाइंडर. गॉट इट? देर आर टू वेज टू फाइंड आउट द एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड. सो वी विल डू दिस टू मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्वेश्चन, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 एंड 100. कॉमन फैक्टर्स मीन्स वो फैक्टर्स जो 75 को भी डिवाइड करते हैं एंड 100 को भी करते हैं. So, 75, 1 is the factor of all the numbers. So, 1 into 75, then when we divide 75 by 2, it is not divisible completely. So, 2 is not the factor. Then we will check for 3. 3, when we divide 75 by 3, we get the quotient 25. So, next pair of the factor is 3 into 25. Next is 4. 4 se 75 pura divide nahi hota. Next is 5. So, we will check for 5. 75 divided by 5 will give the quotient 15. So, 5 into 15. Like this, we will check till the factors will start repeating. Tab tak hame ye process ko karna hai jab tak ye repeat hona shuru na ho jaye. Then, we will check for 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. इनमें से किसी भी नंबर से 75 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट इज 15. 15 फाइव आर 75. सो रिपीटेशन इज देयर, सो द प्रोसेस विल स्टॉप. नाउ फैक्टर्स ऑफ 100. 1 इंटू 100, वेन वी डिवाइड 100 बाय 2, 2 इंटू 50. 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, सो लीव 3. वेन वी डिवाइड इट विद 4, 4 इंटू 25. 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 20 एज अ क्वेश्चन. सो 5 इंटू 20. 6, 7, 8, 9 से 100 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट इज 10. 10 टेन्स आर 100. फैक्टर्स आर रिपीटेड 10 टेन्स आर. सो द प्रोसेस विल स्टॉप हियर. नाउ फैक्टर्स ऑफ 75. 1, 3, 5, 15, 25, 75. लाइक दिस वी विल राइट. फैक्टर्स ऑफ 125. 1, 2, 4, 5, 10. 20, 25, 50 and 100. 10 will be written one time only. Then common factors of
75 एंड 100 जो दोनों में आ रहे हैं, 1, 5 एंड 25। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक, आई हैव चेंज द डिजिट्स ओनली। 24 एंड 60। 24 प्राइम फैक्टर्स वी हैव टू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मींस प्राइम नंबर्स ओनली वी विल टेक व्हेन वी आर डिवाइडिंग द गिवन नंबर्स। 24 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव द क्वेश्चन 3, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा सो वी विल टेक 3। प्राइम नंबर्स लेने ओनली, फर्स्ट आपने 2 से डिवाइड करके देखा, जब 2 से डिवाइड होना कंप्लीटली फिनिश, जब पूरा 2 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर रहता है, देन गो टू द नेक्स्ट प्राइम, नेक्स्ट प्राइम इज 3, 3 वन्स आर 3, राइट। नाउ 60 डिविजिबल बाय 2, सो क्वेश्चन विल बी 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 क्वेश्चन विल बी 15, 15 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, सो गो टू द नेक्स्ट प्राइम, आफ्टर 2 नेक्स्ट इज 3, 3 5s आर 15, राइट। देन 4, 4 तो प्राइम ही नहीं है, सो नेक्स्ट इज 5, 5 वन्स आर 5, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कॉमन फैक्टर्स 2, 2, 2, जो दोनों में आ रहे हैं, एस सी एफ मल्टीप्लाई दिस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एस सी एफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी हैव 3 नंबर्स, 72, 90, 96। 72 इज डिविजिबल बाय 2, 2 36 जा, देन 36 इज डिविजिबल बाय 2, 2 18 जा 36, 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, 2 9 जा 18। नाउ 9, 9 2 से डिविजिबल नहीं होता एग्जैक्टली, सो नेक्स्ट प्राइम इज 3, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, लाइक दिस वी विल डू दिस। 90 विथ 2, 45 विल बी क्वेश्चन्ड, 45 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट प्राइम इज 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। सी चेक केयरफुली दैट दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, यहाँ पे 4 नहीं लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स 2 2, 4 नहीं लेना है कि 4 से भी 72 डिवाइड होता है, बट वी विल टेक ओनली प्राइम नंबर्स। 96 विजिबल बाय 2, सो वी विल गेट क्वेश्चन 48, 48 व्हेन वी डिवाइड विद 2 वी गेट क्वेश्चन 24, 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। नाउ वी विल राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 दीज गिवन नंबर्स एंड देन कॉमन एंड देन हाईएस्ट कॉमन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन फैक्टर्स 2 एंड 3 जो तीनों में आ रहे हैं, राइट। एस सी एफ एस मल्टीप्लाई दिस कॉमन फैक्टर्स, 2 3 जा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एस सी एफ यूजिंग डिवीजन मेथड। अभी हमने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन, नाउ दिस इज अ सेकंड मेथड, डिवीजन मेथड। 150, 230, 460 इज अ क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ टू नंबर्स, 115, 230। इट्स योर विश, यू कैन टेक एनी टू। नाउ एस सी एफ ऑफ 115 एंड 230 वी विल फाइंड आउट। 115 विल बिकम डिवाइजर, 230 विल बिकम डिविडेंड। 115 टूज आ 230, लास्ट डिवाइजर 115। नाउ वी विल टेक एस सी एफ ऑफ 115 एंड द थर्ड नंबर विच वॉज लेफ्ट, 460। 115 फोर जा 460, अगेन यू विल टेक द लास्ट डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर इज 115। नाउ वी हैव टेकन ऑल थ्री न्यूमरल्स, सो तीनों नंबर लेने के बाद लास्ट डिवाइजर मिला 115, सो दैट इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो एस सी एफ ऑफ 115, 230 एंड 460 इज इक्वल टू 115, जो हमारा सबसे लास्ट में निकलता है, दैट विल बी आवर आंसर। वन मोर क्वेश्चन,
फाइंड द एचसीएफ यूजिंग डिवीजन मेथड, डिवाइड करके 40 and 89. यू कैन डू डायरेक्टली एचसीएफ ऑफ 40 and 89 इज इक्वल टू 1 बिकॉज 89 इज प्राइम नंबर. एंड इफ यू डूइंग इन दिस मेथड देन ऑल्सो यू विल चेक दैट यू विल गेट योर आंसर 1. लेट स्टार्ट. 89, 42 जा 80, 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 8 0, 9 विल बिकम नाउ डिवाइजर एंड 40 विल बिकम डिविडेंड. नाउ 9 4 जा 36, 40 माइनस 36 4, नाउ 4 विल बिकम डिवाइजर, 9 विल बिकम डिविडेंड. 4 2 जा 8, 9 minus 8, 1. Right. Now, 4 will become dividend. 1, 4 is 4. Now, 4 minus 4, 0. So, last divisor is 1. So, our SCF is 1. Understood? Now, our next topic is lowest common multiple, LCM. The lowest common multiple of two or more numbers is the smallest number which is a multiple of each of the numbers. जो भी नंबर हमें गिवन है उनका एलसीएम होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन नंबर्स का मल्टीपल होता है. द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा नंबर है, वो छोटे से छोटा नंबर है विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच नंबर, जो हर गिवन नंबर का मल्टीपल होता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. देर आर टू वेज टू फाइंड आउट द एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड. हियर आल्सो वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ डिवीजन मेथड ओनली. फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 and 75. एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ 30 and 75. सो टेक 30 and 75. We have to take the prime number which divides 30 and 75 or 30 or 75. अगर एक को डिवाइड करता है देन ऑल्सो यू विल टेक, लाइक वी हैव टेकन 2, 2 1s are 2, 2 5s are 30, 2 5s are 10. So 30 when divided by 2 will give the quotient 15. But 75 हमारा 2 से completely divide नहीं होता, तो यहां पे आपको क्वोशेंट नहीं लिखना है. यू विल कॉपी द सेम नंबर. कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. नाउ 1575, बोथ द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल विथ 2, सो गो टू द नेक्स्ट प्राइम. 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 5s are 15. राइट. नाउ 5 and 25, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होंगे, नेक्स्ट प्राइम इज 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25. Take again 5. 1 is here already. 5 1s are 5. We will complete it till we will not get 1 at last. Now LCM of 30 and 75. 2 into 3 into 5 into 5. 2 3s are 6. 6 5s are 30. 30 5s are 150. Very simple question, very simple process is here. Now properties of SCF and LCM of the given numbers. First, the SCF of given numbers is not greater than any of the given numbers. जो भी number हमें given है SCF उनसे greater नहीं हो सकता. Highest common factor cannot be greater than the given numbers. Let's see from our question. As we have done in this question, SCF of 115, 230, 460. SCF was 115. It cannot be greater than any of the given number. It may be equal but cannot be greater. Right? Next property. The SCF of two co-prime numbers is always 1. See this example. Find the SCF of 17 and 4. Factors of 17, 1 and 17, because 17 is a prime number, it has only 2 factors. Factors of 4, 1, 2 and 4. 1 se divide hota hai, 2 se hota hai, 4 se hota hai. Common factor is 1.
So highest common factor is 1. That's why it is said that HCF of two co-prime numbers is always 1. So if in the question two co-prime numbers are given, then directly you can write down the HCF as 1 without solving it. Next property, number 3, the LCM of given numbers is not less than any of the given numbers. LCM, given numbers ka LCM is not less than any of the given numbers. Unme se kisi bhi number se less nahi ho sakta. Let's see. Look here, we have done this question. LCM of 30 and 75 was 150. So it is not less than 30, it is not less than 75. Okay. Next property, number 4. LCM of two co-prime numbers is equal to their product. HCF of two co-prime is 1 and LCM is equal to their product. Find the LCM of 6 and 11. These are co-prime to each other. Okay. Co-prime, prime to each other. Okay. So, 6 and 11 are co-prime. Therefore, LCM is their product. 6 into 11, that is 66. Co-prime numbers we have done yesterday. The numbers having only common factor 1 means whose HCF is 1. Those numbers are known as co-prime numbers. So 6 or 11 mein common 1 hai only. Next property, number 5, very important property on these questions are based. Product of two given numbers is equal to HCF multiply LCM. Or we can say first number multiply second number. Two number ka product. Kiske equal hai? HCF multiply LCM. So we have four things here. First number, second number, HCF, LCM. If any three are given, we can find out the fourth one. Like how we can find out the LCM from this given formula. LCM is equal to first number multiply second number divided by HCF. HCF will shift here. Or we can say product of the given numbers divided by HCF. Product ka matlab first number into second number hi to hai. Okay. And HCF is equal to product of the given numbers divided by LCM. Only shifting is there in this formula. Whatever we want to find out will be separated and remaining will be written in the form of numerator and denominator. One more question is taken. Find the LCM of 231 and 539. Question is from 4D exercise. I have changed the digits. Okay. 231 and 539, they both are not divisible by 2. Exactly divisible nahi hai. So now we will check for 3. 3 ka divisibility rule kehte hain, we have to check the addition. 2 plus 3, 5 plus 1, 6. Definitely it is divisible by 3. So we will start. 3 sevens are 21. 539 is not divisible by 3 because the total is 9 plus 3, 12, 12 plus 5, 17. 17 3 se divide nahi hota, so 539 will not be divisible. So we will copy it. Aise kaise likh denge. Now after 3, 5. 5 se divisible nahi honge. Next prime is 7. 7 ones are 7, 7 ones are 7. Check this number. 7 sevens are 49. 53 minus 49, 4, 4 and 9 will make 49, 7 sevens are 49. If you can't do orally, you can do division in rough column. Now 11 and 77, again you will do it with 7. 11 7 se divide nahi hoga, so 11 ko 11 hi likh dena hai. 7 ones are 7, 7 ones are 7. Now we are getting 11 11, so 11 we will take for division. 11 ones are 11, 11 ones are 11. So LCM of 231 and 539 is equal to 3 into 7 into 7 into 11. After multiplication, we will get 1617. The numbers can be big, but the process is same. Next question is,
The statements are based on our fifth property. The product of two numbers is 1440. If SCF is 12, find the LCM. Product is given. SCF is given. We have to find out the LCM. We know that LCM is equal to product of two numbers divided by SCF. So, product of two numbers is 1440 divided by 12. 12 12s are 144. And then 10 will be there to the right side. If you want, you can do division also in rough column. 12 1s are 12. Then 14 minus 12, 2. Take 4. 12 2s are 24. Then take 0. 12 0s are 0. So, LCM will be 120. One more question is here, based on the property number 5. The SCF and LCM of two numbers are 15 and 560. Now, SCF and LCM both are given. Respectively means SCF is 15, LCM is 560. Pehle term, pehla number. Second term, second number. If one of the numbers is, agar two mein se ek number given hai 280, find the other number. Now we will write down the given terms. SCF is given 15, LCM is given 560, one number is given 280. Other number means second number. LCM multiply SCF divided by one number. So 15 multiply 560 divided by 280. 281s are 282s are 560. 28 2s are 56. So 281s are 280. 282s are 560. 15 2s are 30. So other number is 30. So इन चार में से अगर कोई भी थ्री थिंग्स हमें गिवन है तो हम फोर्थ निकाल सकते हैं. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर एक्सरसाइज. डिफरेंट क्वेश्चन. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 4, 6, 8 and 10. ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बताने जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 2, 4, 6, 8 और 10 से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल find out the LCM of this. Only then we can find out the greatest. Right? So, LCM of 2, 4, 6, 8 and 10 we will find out. Let's start with 2. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 2 4s are 8. 2 5s are 10. Again with 2. 2 1s are 2. 3 will be copied. 2 2s are 4. 5 will be copied. Now again with 2. 2 1s are 2. 3 and 5 will copy. Next, if you want, you can take 3 or 5 or directly you can take in your LCM also. 2 into 2 into 2 into 3 into 5. LCM is 120. Least common multiple we have got 120. Agar hum greatest 5 digit number ko 120 se divide karte hain, toh hume pata chal jayega ki remainder kitna bachta hai. That remainder we don't want. Exactly divisibility ka mean, we want remainder 0. So, we will divide greatest 5 digit number with 120. 120 will become divisor. 99,999 will become dividend. 128s are 960. After subtraction we will get 39. We will take next digit 9. Now 123s are 360. 399 minus 360. We will get 39. Next digit we will take 399. Again 123 is a 360. After subtraction we will get 39. 39 remainder bach raha hai jo hume nahi chahiye. So required number will be, we will subtract 39 from the greatest 5 digit number so that the number will become exactly divisible. After subtraction we will get 99,960. Ye wo number hai jo 2, 4, 6, 8 or 10 se exactly divisible ho jayega. Next question, find the smallest number that divide by 22, 55 and 110 leaving remainder 2. Smallest number nikalna hai jo 22, 55, 110 se divide ho jaye leaving remainder 2, jisme remainder 2 bache. So to find the smallest number we will find out the LCM first. 22, 55, 110 we will start with 2.
टू वन जर टू, टू वन जर टू, 55 विल बी कॉपीड बिकॉज ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. टू फाइव जर टेन, टू फाइव जर टेन. नाउ विथ 5, 11 विल बी रिटर्न, इट विल बी कॉपीड बिकॉज 11 5 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता. 5 वन जर 5, 5 वन जर 5, हेयर ऑल्सो 5 वन जर 5, 5 वन जर 5. नाउ वी विल टेक 11, ओके. एंड एलसीएम इज 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 5 जर 10, 10 11 जर 110. रिक्वायर्ड नंबर, हमें चाहिए कि दो रिमाइंडर बच भी जाए, तो ये तो वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. टू रिमाइंडर बच जाए, सो रिक्वायर्ड नंबर इज वी विल ऐड 2. 110 प्लस 2 इज 112, विच इज आर रिक्वायर्ड नंबर. अगर होता लिविंग रिमाइंडर 4, देन वी हैव टू ऐड हियर 4. दिस इज द पजल गिवन इन योर बुक इन चैप्टर 4. I am a four digit number, so 1 stands 100,000, you will write down. Divisible by 3, 3 से divisible होने वाला 4 digit number है, it means total should be multiple of 3. My tens digit is 3 times as great as my thousands digit. Tens और thousand का relation दे रखा है, that thousand से tens place 3 times होगा. And the sum of my digits is 15, digit का total भी given है 15. If you reverse my digits, I am divisible by 2. Digits को अगर हम reverse करते हैं, that should be divisible by 2. It means ऐसा number जिसके ones place पे even number आना चाहिए ताकि वो 2 से divide हो जाए, as well as by 6 also. 6 से divide होने के लिए 2 और 3 का divisibility rule follow होना है. What am I? So, even number we will take first here, 2 at thousands place. 3 times of this, 6 will come at tens place, right? Now we have got 6 plus 2, 8. Sum is given to us 15. If we are taking here 4 and 3, then we will check the sum. 2 plus 4, 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 3, 15, right? So now all the given terms, all the conditions we have satisfied. So our required number is 2463. This question is given in your book. Question number 5 is there in your book. Which is the smallest 3 digit number divisible by 4? 4 ka divisibility rule hota hai ki hamara 100, tens aur ones place se banne wala number 4 se divide ho jaye. As they are asking smallest 3 digit number, so very first smallest 3 digit number is 100. And 100 is divisible by 4. So we will not take the next one. 99 तक तो 2 digit number है. First 3 digit number is 100 3 digit number. Next question. A milkman has containers having capacity of 25 liters and 80 liters of the milk. एक milkman के पास जो containers है उनकी capacity है 25 liter. एंड 80 लीटर कैपेसिटी होती है, कितना मिल्क उसमें आ सकता है. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर दैट कैन बी यूज टू फिल कंप्लीटली द कंटेनर्स. एक ऐसा कंटेनर बताना है जिसकी कैपेसिटी क्या होगी दैट कैन बी यूज टू फिल कंप्लीटली द कंटेनर्स, जो कंटेनर्स को पूरा भर दे. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर, उस लार्जेस्ट कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी. एंड यू नो दिस, टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जर कंटेनर वी विल फाइंड एचसीएफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वी विल फाइंड आउट. एचसीएफ ऑफ 25 लीटर एंड 80 लीटर, 80 डिवाइडेड बाय 25, 25 थ्री जा 75, 80 माइनस 75 5, 5 विल बिकम डिवाइजर, 25 विल बिकम डिविडेंड, 5 5 जा 25. So here we are getting last divisor 5. So SCF is 5. Capacity of the larger container 5 liter. 5 liter का container होगा जो इन दोनों containers को पूरा भर देगा. Next question is from your book. 4 boys step off from the same place. बेटा, I have changed the digits so that you can do practice. If their steps measures 16 centimeter, 28 centimeter, 40 centimeter and 12 centimeter respectively. चार बॉयज ने एक साथ स्टेप्स रखने शुरू किए, स्टेप ऑफ
उतरना शुरू किया। एंड उनके स्टेप्स कितना मेजर करते हैं, फर्स्ट बॉय 16 सेंटीमीटर, सेकंड बॉय 28 सेंटीमीटर, थर्ड बॉय 40 सेंटीमीटर एंड फोर्थ 12 सेंटीमीटर। सेम प्लेस से स्टेप ऑफ करना शुरू किया। एट व्हाट डिस्टेंस द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर, इट मीन्स वो किस डिस्टेंस में मिलेंगे जहां से वो एक साथ चलना शुरू करेंगे। स्टेप टुगेदर, यहीं से आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए दैट वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो स्टार्ट द सोल्यूशन टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम विच बॉयज विल अगेन स्टेप टूगेदर, वो डिस्टेंस निकाला जहां से बॉयज एक साथ चलना शुरू करेंगे। वी विल फाइंड द एलसीएम, एलसीएम ऑफ 16, 28, 40 एंड 12, ऑल आर इवन नंबर, सो वी विल स्टार्ट विथ 2, 2 एट्स आर 16, 2 वन्स आर 2, 2 फोर्स आर 8, 2 टूज आर 4 एंड 0, 2 सिक्स आर 12, अगेन विथ 2, 2 फोर्स आर 8, 2 सेवन्स आर 14, 2 टेन्स आर 20, 2 थ्रीज आर 6, नाउ 10 एंड 4 अगेन डिविजिबल बाय 2, सो 2 टूज आर 4, 7 विल बी कॉपीड, 2 फाइव्स आर 10, 3 विल बी कॉपीड, अगेन विथ 2, जब तक 2 की टर्न ओवर नहीं होती वी विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट प्राइम, 2 वन्स आर 2, 7, 5 एंड 3 विल बी कॉपीड। नाउ वी विल टेक 3, 1, 7, 5, 3 वन्स आर 3, नाउ वी विल टेक 5, 1, 7, 5 वन्स आर 5 एंड 1, एंड नाउ 7 इज लेफ्ट, सो वी विल स्टार्ट विथ 7, 1, 1, 1 एंड 1। नाउ एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सो वैन वी विल मल्टीप्लाई दीज वी विल गेट 1680। सो बॉयज विल अगेन स्टेप टूगेदर फ्रॉम 1680 सेंटीमीटर, इतने डिस्टेंस के बाद वो फिर एक साथ चलना शुरू करेंगे। आई हैव टेकन ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दीज विल बी डिफिकल्ट इफ यू डोंट डू रिटन प्रैक्टिस एंड विल बिकम ईजी इफ यू रीड केयरफुली एंड इफ यू डू रिटन प्रैक्टिस, सो इट्स बेटर यू डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, योर होमवर्क इज डू असाइनमेंट 2 ऑफ चैप्टर 4 इन प्रैक्टिस नोटबुक। असाइनमेंट 2 विल बी अपलोडेड ऑन एडक्वार्क वेबसाइट। That's all for today. Kindly like our videos and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.